नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजाज एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 5 ऑडिटिंग का, जो कि होने वाला है हमारा इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। देखिए, अगर बात करें इंटरनल कंट्रोल की, तो इंटरनल कंट्रोल है क्या, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल कंट्रोल। देखिए, इंटरनल कंट्रोल को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं, मान के चलिए एक इंसान है मिस्टर ए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैंने एक आपके सामने एक व्यक्ति बनाया मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को लगता है कि वो बीमार होने वाला है, ठीक है जी, तो वो पहले से क्या करता है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगा। मिस्टर ए, मान लो आप ही हैं, मैं ही हूँ, ठीक है, तो अगर हमें लगता है कि हम बीमार होने वाले हैं, हमें लगता है कि भैया हमें सर्दी होने वाली है, तो हम पहले से ही, अभी हुई नहीं है, हमें लगता है लक्षण दिख रहे हैं हमारे अंदर, तो हम पहले से कुछ प्रिकॉशनरी सावधानी वाले मेज़र लेते हैं। क्या करते हैं हम सबसे पहले गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं, हॉट वाटर इनटेक कर लेते हैं स्टार्ट। नंबर वन, हम अपनी नाक मुंह को कवर करके चलते हैं। नंबर टू, नंबर थ्री, थोड़ा कंट्रोल करते हैं, जो बाहर का जंक फूड है वो ना लें, है ना, जंक फूड को ना लें। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनसे हम अपने आप के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर अपने आप को कवर करके चलते हैं, अपने आप को बचा के चलते हैं। अगर हमें फिर भी बीमारी हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर हालांकि हमने लिए, लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर अगर काम नहीं आए, बीमारी हमें हो गई, फिर जाके हम मेडिकेशंस करवाते हैं, अपनी दवाई वगैरह लेते हैं और अपना इलाज करते हैं। यही होता है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मिस्टर ए की जगह अगर मैं रखूं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, अगर बिजनेस को पता है कि भाई उसके बिजनेस के इंटरनल सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या उसे शक हो रहा है कहीं कोई मिसमैनेजमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो कायदे से उसे क्या करना चाहिए, उसे भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, बताइए, लेने चाहिए। तो वो प्रिकॉशनरी मेजर लेगी, अब ऑब्वियसली वो हॉट वाटर कवर और ये सब चीज़ें तो नहीं करेगी, क्या करेगी, वो इंटरनली अपने बिजनेस में चेक्स करेगी, वो देखेगी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही, वो देखेगी जो पॉलिसीज़ हैं जो कायदे से बिजनेस में फॉर्मुलेट होनी चाहिए थी, क्या वो हो रही हैं या नहीं हो रही, ताकि मेडिकेशन के स्टेज तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। और यहां मेडिकेशन स्टेज क्या है, हमारी ऑडिट, हमें ऑडिट करवाने की जरूरत ही ना पड़े, हमें क्यों जरूरत पड़े किसी आउटसाइडर को बुलाएं, एक तरह से वो हमारे बिजनेस में आए, हमारे कामों में दखलंदाजी करे, हमारे इंटरनल मैनेजमेंट का मोराल जो है वो भी थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है कि भैया बाहर से बंदा आ रहा है चेक करने के लिए आप पे, तो बेटर है ना, अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ है तो आप अपनी तरफ से खुद ही चेक कर लो। तो यही पूरा कंप्लीट सिस्टम जिसमें हम अपने तरफ से मैनेजमेंट खुद ही अपने चेक्स करता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के पॉलिसीज़ देखता है कि बिजनेस में जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो ठीक तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही, एफिशिएंट वे में चल रही हैं या नहीं चल रही। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम अपनी कमियों पे खुद ही कंट्रोल करने लग जाते हैं, हमें किसी आउटसाइडर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैनेजमेंट खुद ही ऐसी प्रैक्टिस खुद से फॉलो करेगा, ये आप लगा के चलो खुद से किया जाने वाला काम है कि ऑडिटर तक की बात आए ही ना, प्रॉब्लम अगर है तो वो अपने में अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाए। ऐसे ही सिस्टम को नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल। आप पूरे यूट्यूब में इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग को चेक कर लेना, अगर इससे ज़्यादा आसान तरीके से कहीं पर भी आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो आप बता देना और मेरे पास आ जाना, इसका हर्जाना मैं आपको दे दूंगा। मुझे मालूम है दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत आसान तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक बारी जरा देख लेते हैं इंटरनल कंट्रोल मीनिंग के बारे में, इसमें क्या कहता है, कहता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। इंटरनल कंट्रोल इज़ अ ब्रॉड टर्म क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, विद अ वाइड कवरेज क्योंकि हम पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, उसकी वर्किंग को देखेंगे। इट कवर्स द कंट्रोल ऑफ होल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्वियसली पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का कंट्रोल होगा। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल एक्सरसाइज इन अ बिजनेस, बिजनेस में जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसके ऊपर हम कंट्रोलिंग करेंगे ताकि हम इंश्योर कर सकें कि एफिशिएंट और इकोनॉमिक वर्किंग हो रही है या नहीं। इसी के बारे में डिफाइन करता है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, कहते हैं इट कंप्राइजेज ऑफ द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है,
प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन खुद से करती है ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है खुद का। एंड ऑल द कोऑर्डिनेटेड मेथड्स जिसमें हमारे स्टाफ, हमारे लोग, चाहे वो टॉप लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो, सभी कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसमें मेजर अडॉप्ट करेंगे विद इन अ बिजनेस, यानी कि हम कहीं बाहर से किसी आउटसाइडर को इन्वाइट करें, ऑडिटर को, वहाँ तक बात ही क्यों जाए। अगर प्रॉब्लम है तो खुद ही खुद निपटा लो ना। अगर आपके घर में कोई दिक्कत चल रही है, घर के मेंबर्स के बीच में, आपस में सुलटा लो, किसी आउटसाइडर को क्या करना बुला के। तो बेटर है विद इन अ बिजनेस हम इसे सॉर्ट करेंगे टू सेफ गार्ड इट्स एसेट्स। अगर एसेट्स की कोई बात हो रही है उसको ठीक करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे बिजनेस में कोई अगर एक्यूरेट इनएक्यूरेट डेटा है, और रिलायबिलिटी देखेंगे ऑफ इट्स अकाउंटिंग डेटा की, अकाउंटिंग डेटा जो बन रहा है वो रिलायबल बन रहा है या नहीं बन रहा देखेंगे। इससे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी और हम एनकरेज करेंगे अडायरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड मैनेजरियल पॉलिसी, ताकि पॉलिसीज अच्छे से फॉलो हो सकें। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल। और एक लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये खुद का प्लान होता है, एंड ऑल दी मैथड्स एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाई दी मैनेजमेंट इट्सेल्फ, ताकि एंटिटी को हम असिस्ट, बिजनेस को हम, अपने बिजनेस को हम असिस्ट कर सकें, मदद कर सकें इन अचीविंग दी मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना हो सके हमसे, कि ऑर्डरली और एफिशिएंटली काम हो सके। तो ये खुद से किया जाने वाला काम है। तो इन ब्रीफ यही इसमें बात बोली गई है। अगर हम इसके नीड्स की बात करें तो नीड्स में इसके आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा प्रोवाइडिंग रिलायबल डेटा। देखो अगर आप खुद से करोगे तो जितना अच्छे से करोगे उतना आप अपने खुद के डेटा पे रिलायबिलिटी लेके चल पाओगे। एग्जांपल मान लो अगर आपको कोई प्राइस फिक्सेशन करना है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं आपके बिजनेस में जो काम चल रहे हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं, तो आप प्राइजेस जो भी अपने प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करोगे उसको जो भी प्राइस को आप सेट करोगे वो कहीं ना कहीं गलत ही होगा। लेकिन यही अगर आप इंटरनल कंट्रोल करते हो, एक एक्यूरेट और रिक्वायर्ड और रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेते चलते हो, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये प्राइस फिक्सेशन का अच्छे से हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बात बताई, ऐसे कई और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हाँ जी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या है आइए देख लेते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी से हमारा मतलब है एफिशिएंट रहना डे टू डे वर्क में, यानी कि जो हमारे बिजनेस में डे टू डे वर्क होते हैं, लाइक परचेज करना, सेल करना, यू नो, मार्केटिंग एक्टिविटी, प्राइस फिक्सेशन, उसके अंदर हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया भी था अभी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के ही हम ये कंट्रोल करते हैं, विच आर मेंट टू प्रिवेंट अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब ये हम कंट्रोल करते क्यों हैं, ताकि अननेसेसरी कोई काम एक से ज़्यादा बार रिपीट ना हो, यानी एक ही काम को हमने एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ना हैंड ओवर करा हो। प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेस्ट इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड डिस्करेज अदर टाइप ऑफ इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स। तो कुल मिला के कहीं पर भी अगर किसी भी तरह से कोई इनएफिशिएंसी आती है, यानी कि जिससे लागत बढ़ती है हमारे बिजनेस की, हम उसे कंट्रोल करेंगे। तीसरा है टू एनकरेज अडायरेंस टू दी प्रिस्क्राइब पॉलिसी। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, हम अपनी तरफ से खुद एफर्ट लेके चलते हैं कि हम खुद अपने बिजनेस में पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको अडायर यानी कि फॉलो करना, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इसमें क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज मेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। एक रीजनेबली हम अपनी तरफ से खुद देखें कि ये श्योरिटी लेके चलें कि जो प्रोसीजर और रूल्स हैं हमारे बिजनेस में जो बनाए गए हैं आर फॉलोड बाई कंपनी पर्सनल जो हमारे कंपनी के स्टाफ हैं, क्या वो उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और एट लास्ट सेफ गार्डिंग असेट एंड रिकॉर्ड्स, हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमारी एसेट्स, वो प्रॉपर तरीके से सेफ हैं या नहीं, कहीं उसकी चोरी तो नहीं हो रही, मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, पता लग रहा है स्टाफ जो है वही कीबोर्ड, लैपटॉप घर ले जाता है और उसे अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, कीबोर्ड ही चोरी हो रही है, माउस ही चोरी हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। सो इस चीज़ को देखने का काम हम इसमें इंटरनल कंट्रोल में, इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके हम इंटरनल कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन कॉल इट एज नीड एज वेल। नेक्स्ट इज़ इंटरनल चेक। देखिए इंटरनल चेक भी हमारे बिजनेस में खुद से किया जाने वाला एफर्ट है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हम खुद से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। तो उसमें एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है इंटरनल चेक। अब आप क्या समझेंगे इंटरनल चेक के बारे में, आपको देखो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट। जैसे हम इंटरनली अपने बिजनेस में एक ऑडिट करवाते हैं, इंटरनल ऑडिट जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी थी, है ना, बिल्कुल वैसा है, काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट, एक तरह से ये इंटरनल ऑडिट की तरह है। फ़र्क इतना है कि इंटरनल ऑडिट में एक पर्सन होता है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इंटरनल चेक में हर एक व्यक्ति अपने आप में खुद से अपने कामों को चेक करेगा, अपने एफर्ट को देखेगा, प्लस बिजनेस में एक पर्टिकुलर लेवल पे
व्यक्ति है वो दूसरे पर्टिकुलर लेवल के व्यक्ति के काम को देखेगा कि वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। आप खुद से ही एक दूसरे के काम, एक दूसरे के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। आप लेवल टू का जो व्यक्ति है वो लेवल वन के लिए क्या करे, वो देखे कि लेवल वन को उन्होंने रिपोर्ट करनी है, लेवल वन का जो सीनियर लेवल है वो देखे कि भैया मेरा जो लेवल टू के मेरे अंडर जो लोग आते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो हमें इंटरनल ऑडिट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। यूँ समझ लो सेल्फ मैकेनिज्म हो गया इंटरनल ऑडिट का ये। तो कह रहा है इंटरनल चेक इज़ द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में किया जाने वाला काम है ये। सो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, बिजनेस के जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो खुद से करते हैं ये, इस तरीके से करते हैं, इन सच अ मैनर दैट द वर्क परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली चेकड बाय द अदर। जैसा मैंने आपको बताया लेवल वन का पर्सनल लेवल टू के काम को चेक करेगा, इसी तरीके से लेवल टू का काम का व्यक्ति जो होगा वो लेवल थ्री के काम वाले व्यक्ति के काम को चेक करेगा, वर्क को चेक करेगा। सो इसमें एफ आर मिस्टर पॉला के द्वारा कहा गया है कि इंटरनल चेक क्या है, इट मीन्स प्रैक्टिकली अ कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट। ऑब्वियसली डेली बेसिस में रेगुलर काम होगा रेगुलर चेक होगा, रेगुलर काम होगा रेगुलर, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे किया जाने वाला इंटरनल ऑडिट है, कैरिड ऑन बाय ओन स्टाफ, खुद करता है इट सेल्फ, बाई मीन्स ऑफ विच द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक बाय अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। यानी कि क्या होगा, देखो एक बिजनेस में 10 लोग हैं, 10 लोगों का स्टाफ है, एक होगा कल्प्रिट, दूसरा होगा तीसरा, बाकी सारे थोड़ी होंगे, बाकी सारे थोड़ी होंगे दोस्तों, तो एक व्यक्ति दूसरे का चेक करेगा काम, दूसरा तीसरे का, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, एक डर बनेगा कि यार मैंने गलत नहीं करना, सामने वाले को पता लगेगा कि नहीं। तो ये एक खुद से किया जाने वाला काम है जो एक इंडिपेंडेंट वे में किया जाता है। इस पर मिस्टर डी आर डावर ने क्या कहा है, इंटरनल चेक एक सिस्टम है या एक मैथड कह लो, इंट्रोड्यूस्ड विद डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू स्टाफ, स्टाफ्स के द्वारा करवाया जाता है, तो उनको पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कैसे करना है, एक दायरे में रह के एज टू देयर स्फेयर ऑफ वर्क जो काम उनको करना है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन वाला, मान लो ये प्रोडक्शन की चेन है, यहाँ पे मान लो परचेज की चेन है, तो परचेज की चेन में एक व्यक्ति है ए, उसके अंडर आता है बी, उसके अंडर आता है सी। अब लेवल वन वाला लेवल टू के काम को देखेगा, लेवल वन वाला लेवल ये परचेज के मिस्टर बी के काम को थोड़ी देखेगा, वो इसको थोड़ी देखेगा, तो ये अपने स्फेयर में रह के अपने दायरे में रह के काम को देखेगा एंड वेरीफाई करेगा वर्क को, एंड ऑल्सो मेंटेन ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ द अल्टीमेट एम, अपने एम को लेकर वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। कहीं कहीं लैंग्वेजेस में, कहीं कहीं लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है, कुल मिला के मुद्दा एक ही निकल रहा है, खुद से अपने काम को चेक करना और अपने स्टाफ मेंबर्स के लोगों को जो आपके कलीग्स हैं आपसे सीनियर और आपसे जूनियर उनके कामों को देखना। जोसेफ लैंगस्टर ने क्या कहा है, द इंटरनल चेक इज़ अ मैथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटायर ऑपरेशंस ऑफिस वेयर हाउस फैक्ट्री, यानी कुल मिला के जितने डिपार्टमेंट है सब में एंड दी ड्यूटीज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टाफ, और जो आपके अंडर स्टाफ आ रहा है उनके फ्रॉड्स उनकी ड्यूटीज़, अगर कोई एक आधा कोई मान लो कल्प्रिट है फ्रॉड करता है उनकी इरेगुलरिटीज़ उसको देखना, दैट आर इम्पॉसिबल विदाउट कॉल्यूजन। ऑब्वियसली ये बिना कॉल्यूजन बिना इंटरफेयर के नहीं हो सकता, आप अपने जूनियर के काम को देखेंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो गलत तो नहीं कर रहा। सो सारी डेफिनेशन एक ही कॉमन आइडिया दे रही है, क्या खुद से इस काम को किया जाता है विद इन दी कंसर्न इट सेल्फ बिजनेस के अंदर, फिर इन द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली चेकड अप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, अगर फ्रॉड होगा तो वो ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा, हमें किसी इंटरनल ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात वही आ गई कि हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम खुद से प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। नेक्स्ट इज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स एक मॉरल प्रेशर आता है, एक आपको एक नैतिक तौर पर एक प्रेशर आएगा कि यार 100 लोग हैं 50 लोग हैं आपके बिजनेस में आपके कलीग हैं, आप अकेले कल्प्रिट हो, 49 ठीक हैं, 5 कल्प्रिट हैं, बाकी 45 ठीक हैं, तो आप उन 45 ठीक लोगों में ज़बरदस्ती आपको भी ठीक रहना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई चोर है, कोई आपको लगता है यार चलो मैं एक काम करता हूँ अपने पर्सनल नीड यहाँ से पूरी कर लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ यहाँ से लैपटॉप चुरा लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ यहाँ से कीबोर्ड ले जाता हूँ, तो ये काम करते हैं एम्प्लॉयज़, तो इस चीज़ में ऑटोमेटिकली एक एम्प्लॉय को शर्म आएगी कि यार बाकी तो नहीं करते मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे वो सामने वाला पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, तो एक मॉरल प्रेशर एक नैतिक तौर पर एक प्रेशर आता है, ऑटोमेटिकली सामने वाला गलत करना भी चाहेगा वो नहीं करेगा। दूसरा टू इंश्योर दैट द अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसीजर रिलायबल एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको अकाउंटिंग सिस्टम एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन, सही बात है जब सारे लोग खुद से स्टार्टिंग से ही ठीक होंगे एट द वेरी फर्स्ट केस एट द वेरी फर्स्ट इंस्टांस, तो सारी डेटा आपको रिलायबल मिलेंगे। तीसरा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रिसोर्स ऑफ द बिजनेस अगेंस्ट फ्रॉड केयरलेसनेस, ऑब्वियसली अब कोई फ्रॉड होगा नहीं, होगा तो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, केयरलेसनेस होगी नहीं, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो प्रोटेक्शन रहेगी। टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क इन सच अ मैनर दैट नो बिजनेस इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, कोई भी कार्य, यहाँ बिजनेस से हमारा मतलब है कार्य, कोई भी कार्य आपका अलग से पड़ा नहीं रहेगा, हर किसी के काम
का ऑटोमेटिकली पता है, चेक हो रहा है, तो हर कोई अपना काम अच्छे से करेगा। तो किसी का भी बिजनेस, किसी का भी वर्क, या बिजनेस से मतलब वर्क से है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पेंडिंग पड़ा रहेगा। टू एलोकेट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ बेटर वे। आपको याद होगा 12th क्लास में छोटी क्लास थी जब आपकी, तो आपने पढ़ा था कंट्रोलिंग, उससे भी पहले आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधते थे ना, ये काइंड ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही खेल है। एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस चीज़ को पूरा करेगा, क्योंकि उसको पता है उसे आगे जवाब देना है, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करेगा, फ्रॉड एरर कम होंगे। एफिशिएंसी आएगी क्लर्क की, क्योंकि कोई काम रिपीट नहीं होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, सबको पता है सबका काम क्या है। एरर और फ्रॉड खुद से आप चेक करोगे, खुद से इंडिपेंडेंटली आप उसे ठीक कर दोगे। एडवांटेजेस क्या हैं? अब देखिए, एडवांटेजेस अलग नहीं है, अगर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको एडवांटेजेस खुद से समझ आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया कि यहाँ पे काम बट जाता है, सबको अपना काम पता है, तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क इसका पहला एडवांटेज हो गया, जो हमने फेओल के प्रिंसिपल में भी पढ़ा था 12th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज़ में, कि भैया काम बटता है तो काम अच्छे से होगा और एक हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस व्यक्ति अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करेगा और उसे चेक करेगा, खुद से वो एफर्ट करेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आपको स्पेशलाइजेशन के एडवांटेज मिलेंगे। एरर और फ्रॉड मैंने बताया, इजीली आपको डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी एक्सटर्नल बंदे की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही एरर फ्रॉड फाइंड करके आप अपनी गलतियाँ सुधार लोगे। देखो, बेटर क्या है कि कोई आके आपको गलती बताए और आपकी बेइज्जती करे, या आप खुद से अपनी गलती सुधार लो। ऑब्वियसली खुद से अपनी गलती सुधार लो तो वो इंटरनल चेक में पॉसिबल है। देखिए, थर्ड है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी कपल्ड विद इकोनॉमी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, एरर्स एंड फ्रॉड्स को हम रिड्यूस कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं अपनी तरफ से, खुद से ही इंटरनल चेक करके, तो एफिशिएंसी तो हमारे काम में यकीनन आती है। अब एफिशिएंसी आती है तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी, यानी कोई भी काम हम करेंगे इकोनॉमाइज तरीके, यानी कि सस्ते तरीके से, तो कुल मिला के ये इकोनॉमीज के बेनिफिट भी हमें दिलवाती है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, दोनों में ही हमें ये बेनिफिट पहुँचाती है हमारी कॉस्ट सेविंग करा के। तो इंटरनल चेक खुद में अपने आप में एक इकोनॉमाइजेशन करने का एक वे है। कन्वीनियंस टू द ऑडिटर। अच्छा, एक बात बताओ, प्रिंसिपल को क्या जरूरत पड़ेगी अगर टीचर्स अपना काम ठीक से करें? सिमिलरली स्टूडेंट्स को, टीचर्स को क्या जरूरत पड़ेगी क्लास टीचर्स को, कि अगर सारे स्टूडेंट्स अच्छे से अपना काम करें? वही बात आ गई कि डॉक्टर के तो काम खत्म हो जाएंगे अगर सारे पेशेंट अपना इलाज खुद ही कर लें, प्रिकॉशनरी मेजर ले लें, तो वही बात है, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर के लिए कि तो दिक्कत कम हो जाएगी, ऑडिटर की सरदर्दी कम हो जाएगी, बीमारियाँ डेप्थ में जा जाके चेक करने की बजाय, कि आप तो खुद ही अपनी बीमारियाँ, खुद ही अपनी बीमारियों के लिए आप एफर्ट करने लग रहे हो। आपको पता है कि आपका गला ख़राब होने वाला है, आपने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, आपने नाक मुंह अपना ढक के रखना शुरू कर दिया, तो ऑडिटर कहता है यार ये तो बहुत अच्छा है बिज़नेस, जहाँ मैं गया ऑडिटिंग में इतने मुझे एफर्ट करने नहीं पड़े, कन्वीनियंट हो गया उसके लिए। क्यों? सारा स्टाफ अपने आप में बिहेव कर रहा है, एक अच्छे बिहेवियर के साथ, एक अच्छे मैनर के साथ अपने काम को संभाल के कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली कन्वीनियंट हो जाता है एक ऑडिटर के लिए, पता है दोस्तों। सो वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, स्टैचुटरी ऑडिट जो कंपलसरी होती हैं, मे कन्वीनियंटली अवॉइड डिटेल चेकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस। वो ईजिली क्या करते हैं, डिटेल चेकिंग से अपने आप को अवॉइड करके प्रॉब्लम्स को ईजिली फाइंड करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो जहाँ पे ऑलरेडी चोरों का तबका है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको घुस घुस के ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, एफर्ट बढ़ जाएंगे ऑडिटर के, कुल मिला के ऑडिटर की सरदर्दी बढ़ जाएगी। किसी अच्छी कंपनी में जाओगे, वहाँ ऑडिटर की सरदर्दी नहीं है, दिस इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन। एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, और यही इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब जब सारे काम आएंगे अच्छे तरीके से होंगे तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी और आप अच्छे डिविडेंड कमाओगे, रेगुलर बेसिस पे भी अर्निंग मिलेगी शेयर होल्डर को, और उसके शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म में भी शेयर होल्डर को फायदा होगा, यानी कि कंपनी के जो रियल ऑनर होते हैं शेयर होल्डर, उनको आप एडवांटेज प्रोवाइड कराओगे। सवाल पैदा होता है कि यहाँ तक तो चलो हमें समझ में आ गया सर, इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक क्या है, राइट? नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा इंटरनल चेक विद रिगार्ड टू सेल्स। अब सेल्स के रिगार्डिंग इंटरनल चेक किए जाते हैं। देखिए, कितने मिनट की क्लास हो गई? ये हो गई लगभग आपकी 12 मिनट की। चलिए ये टॉपिक कवर करते हैं, देखते हैं इंटरनल चेक, कैश पेमेंट, नहीं तो हो सकता है इसका मैं अलग से टॉपिक बनाऊँ। प्रॉब्लम क्या है मुझे आप बताइए, कि मैं एक साथ बड़ा लेक्चर डाल दूँ 30 मिनट 35 मिनट का, या मैं 11 11 10 10 मिनट के लेक्चर डालूं, आप मुझे बताइए। इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।